सो फाइनली दोस्तों सनी देओल के साथ धोखा हो गया। जी दोस्तों धोखा ही कहूंगा मैं इसे। रामायण को लेकर ऐसी बड़ी घटिया न्यूज आई है ना भाई। सुबह मैंने आपको अपडेट दिया था रामायण मूवी के रिगार्डिंग, लेकिन भाई साहब ये क्या यार, नितेश तिवारी जो इस फिल्म के डायरेक्टर है रामायण मूवी के, भाई साहब साफ साफ बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए। एंड बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट के अनुसार, मतलब एक मीडिया पोर्टल दोस्तों बॉक्स मूवी वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार, भैया सनी देओल, और आपको बता दूं कि तमाम एक्टर सिर्फ रणबीर कपूर को छोड़ के एंड साई पल्लवी को छोड़ के भैया सब के सब फेक न्यूज़। अब इसमें दोस्तों नितेश तिवारी सच बोल रहे हैं कि भैया ये तमाम मीडिया जो लोग हैं वो सच बोल रहे हैं। दोस्तों बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है, मिसकम्युनिकेशन हो चुका है, एंड लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि भैया अब सच क्या है। मतलब सपने दिखाकर सपने तोड़े जा रहे हैं। जी दोस्तों बताऊंगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक कमेंट करना, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोगों रामायण मूवी को लेकर बैक टू बैक बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि एक तरफ जहां पर हेटर लोग, अभी आज सुबह की वीडियो में मैंने बताया था, हेटर लोग साफ साफ बोल रहे हैं ये रणबीर कपूर की फिल्म है, सनी देओल का कोई काम नहीं है। मैंने इस वीडियो में बताया भी था कि भैया जब तक रामायण जो है जब तक इनकम्प्लीट है, जब तक हनुमान जी उसमें ना हो, मतलब हनुमान जी के बिना रामायण और राम जी भी अधूरे हैं, और राम जी के बिना हनुमान जी भी अधूरे हैं, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। और जहां दोस्तों हनुमान जी की बात आती है तो बॉलीवुड में मेरे ख्याल से सनी देओल के अलावा कोई भी बिगेस्ट स्टार नहीं उस भूमिका को निभा सकता है। लेकिन यहां पर एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, नितेश तिवारी, ये वही है जिन्होंने छिछोरे मूवी सुशांत सिंह राजपूत को डायरेक्ट किया, ये वही मूवी है दंगल, आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस बनी हुई, जो दंगल 2000 करोड़ के ऊपर है, जिसका रिकॉर्ड आज तक नहीं तोड़ पाया। और दोस्तों नितेश तिवारी ऑफकोर्स इस इंटरव्यू में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी है। देखो यार, नितेश तिवारी ने पता क्या बोला है कि भैया उन्होंने बड़े बड़े वेल रिसर्च पंडित लोगों को बुलाकर अपनी फिल्म में क्या सही क्या गलत, किसके सेंटिमेंटल को लॉस हो सकता है, क्या श्रद्धा है, क्या भावना है, किसी की भावना कैसे ठेस पहुंच सकती है, सनातन धर्म का अपमान तो नहीं होगा, रामायण के क्या गेटअप होने चाहिए, क्या ड्रेसअप होना चाहिए, एक पूरी वेल रिसर्च करने के लिए दोस्तों जितने भी तमाम पंडित गुरु लोग हैं उन सबको बिठा के दोस्तों इसकी शूटिंग और उसके सारी स्क्रिप्ट सब कुछ उनके अंडर गाइडेंस में दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग होगी। जो कि ये मुझे नितेश तिवारी की बात बहुत अच्छी लगी दोस्तों। उन्होंने कहा कि भैया इस बार जो हम क्रिएटिविटी करने वाले हैं, ऑफ कोर्स स्टोरी सबको पता है, इस बार जो हमारा विजन है, जो हमारा रचनात्मक क्रिया, एक काल्पनिक वर्ल्ड हम बना रहे हैं रामायण को लेकर, दोस्तों ऐसा क्रिएटिविटी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ऐसा वीएफएक्स आप लोगों ने नहीं देखा होगा, और ये दावे के साथ ठोका है नितेश तिवारी ने एक इंटरव्यू में। दोस्तों आपको बता दूं कि नितेश तिवारी दोस्तों वाकई वो पंडित है, और वो जानते हैं कि लोगों के सेंटिमेंटल कहाँ है, लोगों की भावनाएं क्या है। और दोस्तों मैं तो ये कह रहा हूँ कि आदि पुरुष जैसी फिल्में भी आई, और उन्होंने इस बात को भी रखा कि भैया आदि पुरुष की तरह वो कचरा नहीं बनाने वाले, तो इस बात से तो बेफिक्र हो जाइए कि आदि पुरुष जैसी कचरा फिल्म नहीं बन रही है। आदि पुरुष में तो भगवान का मजाक बनाया है भाई, ये गटर गुड ने मजाक बना के रख दिया। लेकिन थैंक गॉड टू नितेश तिवारी भाई साहब, जिस हिसाब से इस फिल्म की तैयारियां चल रही है दोस्तों बहुत ही फाड़ू चल रही है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर दोस्तों नमित मल्होत्रा, जो कि डीएनजी कंपनी और उसके डायरेक्टर है, साथ ही साथ नितेश तिवारी मिलकर कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि दोस्तों इसमें तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर बैकग्राउंड में बहुत लगे होते हैं, क्योंकि यार एक ही फिल्म का बजट जो है वो 250 करोड़ का है। 3 पार्ट में फिल्म आएगी, 2025 दीपावली में फिल्म रिलीज होगी। यहां तक एक और बड़ी खबर आ रही है, सबसे बड़ी खबर बता दूं कि अभी तक मैं आपको ये बता रहा था, और मैं कह रहा पूरी दुनिया अभी तक ये बता रही थी कि इस फिल्म में रामायण की भूमिका राम जी की भूमिका बता दूं कि रणबीर कपूर, सीता माता की भूमिका साई पल्लवी, एंड यश जो है रावण का रोल करेंगे। इससे पहले और भी खबरें आई, तमाम बड़े बड़े ट्रेड क्रिटिक्स एंड सोशल मीडिया पर जो भी न्यूज़ खबर आती है दोस्तों, वो खबर मीडिया पोर्टल सब ने ये बताया, लारा दत्ता जो है वो रोल प्ले कर सकती है क्या कहते हैं कैकई का, उसके बाद रकुल प्रीत जो है वो प्ले कर सकती है सूर्यप्रखा, विभीषण के लिए विजय सेतुपति, एंड ऑफ कोर्स बॉबी देओल का भी चेंज किया गया, सनी देओल ऑफ कोर्स। सबसे पहली खबर यही आई थी जब रामायण की कास्टिंग भी चल रही थी, तो सनी देओल को भी हनुमान के लिए रखा गया था। लेकिन दोस्तों ये क्या हो गया भाई, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, मोए मोए किसका हो गया समझ नहीं आ रहा है। कुल मिला के भैया लिटरली भाई मैं तो ये कहूंगा सनी देओल के साथ साथ सबका ही मोह में हो गया,
क्योंकि यार बिल्कुल ही इधर इधर जितने भी अभी 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 एक न्यूज़ ये आ रही है रामायण के फिल्म मेकर से कि भाई उन्होंने अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, एंड 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी के उपलक्ष में जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना था वो भी झूठ बताया जा रहा है। और ये रिपोर्ट बॉलीवुड मूवी जो मीडिया पोर्टल है दोस्तों वहाँ से ये खबर आ रही है। अब दोस्तों सच क्या है वो समझ नहीं आ रहा, क्या या तो ये मीडिया पोर्टल झूठ है, नहीं तो दोस्तों नितेश तिवारी और फिल्म मेकर जो है वो सच होंगे, या तो है ना, या तो जितने भी ये लोग खबरें फैला रहे हो झूठी हो सकती है, नहीं तो नितेश तिवारी दोस्तों शायद उनकी एक मार्केटिंग स्टंट हो सकती है ताकि इसकी हाइप और बने, और अभी वो अपने कास्टिंग एंड प्लॉट को रिवील नहीं करना चाहते, एंड शायद इस वजह से वो गुमराह कर रहे हो ऑडियंस को, जबकि क्या पता यही सच हो जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं न्यूज। सो दोस्तों इसमें वही बताया गया कि भाई जितने भी कैरेक्टर सिर्फ ये मूवी जो है रणबीर कपूर की है, ये जो मूवी है साई पल्लवी की है, मतलब यश जो है ना रावण की भूमिका में यश रॉकिंग यश वो भी झूठ खबर है, सन्नी देओल झूठ खबर है, लारा दत्ता झूठ, हरमन बवेजा भी है इसके अंदर वो भी झूठ है, मतलब उसके बाद दोस्तों रकुलप्रीत सिंह झूठ है, जबकि इतने सारे मीडिया पोर्टल ने खबरें फैलाई थी, क्या सब कुछ झूठ है? मुझे तो दोस्तों समझ नहीं आ रहा कि क्या सच क्या झूठ है। दोस्तों आपको क्या लगता है, नितेश तिवारी सच बोल रहे हैं जो उन्होंने अभी रिवील ये नहीं किया है कि भाई कौन कौन से प्लॉट है, कौन कौन से स्टार कास्ट है, लेकिन जिस हिसाब से ये जो बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड जो रिपोर्ट है जिसके माध्यम से मैं दे रहा हूँ वो इसने बयां किया है कि फिल्म मेकर ने ऐसा कुछ रिवील ही नहीं किया, जबकि फिल्म मेकर ने दोस्तों तमाम बड़े बड़े क्रिटिक्स ने, चाहे मैं तरण आदर्श की बात करूं, पिंक विला रिपोर्ट की बात करूं, तमाम बड़े बड़े क्रिटिक्स ने ये दावा किया था कि पाजी ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया है, लेकिन दोस्तों ये एक या तो दोस्तों ये कोई हरकत छपरी गैंग जो बड़े बड़े पीआर और जो छपरी गैंग आप समझ गए हो ना, ये छपरी गैंग की हरकत लग रही है, ऐसी न्यूज़ फैलाओ जिसे सन्नी देओल को बदनाम किया जा सके, ऐसी न्यूज़ फैलाओ रामायण को बदनाम किया जा सके। और जबकि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी न्यूज़ बनी थी रामायण को लेकर वो सब की सब सच है। इसके अलावा दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, हेटर लोगों को अपना काम करने दोस्तों, हेटर की तो फटी पड़ी क्योंकि रामायण जैसे रामायण के नाम से नफरत है, जय श्री राम से ही नफरत है इनको, और ऑफ कोर्स यार थिएटर में जब जय श्री राम के नारे गूंजेंगे तो इनके कानों से दोस्तों खून और पता नहीं कहां कहां से निकलेगा। तो वेल दोस्तों कोई नहीं, हम रामायण मूवी को ब्लॉकबस्टर करा कराएंगे। ये फिल्म जो रणबीर कपूर ही कह रहे हैं, ऑफ कोर्स यार फिल्में टीम से बनती है, और मैंने बताया था भाई चाहे रणबीर कपूर कितने भी राम बन जाए लेकिन हनुमान जी की एंट्री नहीं होगी तो ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। और इस फिल्म के लिए एक ओरिजिन है, एक मूल मंत्र है दोस्तों। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक यानी कि 4 महीने में इसकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। पिछले 5 सालों से रिसर्च चल रही है इसके स्केचेस पे, एंड दोस्तों आपको बता दूं जुलाई के बाद 500 दिन तक इसके वीएफएक्स पर काम होगा, जो कि नमित मल्होत्रा ऑस्कर विनिंग कंपनी वीएफएक्स, जो कि कहा जा रहा है कि एक ऐसी इमेजिनरी वर्ल्ड बनाने जा रहे हैं, एक ऐसी क्रिया रचनात्मक क्रिया बना रहे हैं, ऐसी कल्पना बना रहे हैं कि राम का गेटअप, हनुमान जी गेटअप लुक ऐसा बनने वाला है। इस फिल्म को प्रेजेंटेशंस को देख के जनता पागल हो जाएगी, मतलब जनता को वो चीज मिलेगी। ऑफ कोर्स इसमें अरुण गोविल जी भी है, पहली बता दूं अरुण गोविल जी का किरदार क्या होगा ये मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन अरुण गोविल जी भी है, एंड रामन एंड सागर के भावनाओं को इंस्पायर्ड होकर नितेश तिवारी इतनी बड़ी रामायण ग्रैंड लेवल बना रहे हैं। 3 पार्ट में आएगी, पहले पार्ट में ऑफ कोर्स हनुमान जी का रोल कम होगा सन्नी देओल का, लेकिन दोस्तों अब ये जो छपरी गैंग ये जो हरकतें फैला रही है, ये जो झूठी अफवाह आ रही है कि नहीं यार इसमें सन्नी देओल नहीं है, यश नहीं है, बदनाम करने की साजिश हो रही है, पूरी रामायण को फ्लॉप कराने की साजिश हो रही है, दोस्तों क्या लगता है, क्या वाकई में ये खबर सच्ची है आपको लगता है, या ऑफ कोर्स नितेश तिवारी ने ये दावा नहीं किया है कि हाँ भाई उन्होंने सन्नी देओल को नहीं हायर किया है, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि इस पर वेल रिसर्च करके और बहुत बड़े लेवल पर काम किया जा रहा है। लेकिन अभी ये मीडिया पोर्टल जिस हिसाब से जो सोर्सेज ये बता रहे हैं खबर को लेकर कि कोई स्टार नहीं है बड़ा, सिर्फ रणबीर कपूर साई पल्लवी है, तो भैया फिर इतनी बड़ी ये कास्टिंग कौन लेके आ रहा है, सब झूठ खबर तो नहीं सकती। इसका मतलब लग रहा है दोस्तों 99% यही खबर झूठ फैला रहा है बंदा। और आपको बता दूं दोस्तों कि ऑफ कोर्स इसमें सन्नी देओल है, एंड भैया छपरी गैंग सुधर जाओ, ये मत करो भाई, प्लीज हेट मत फैलाओ रामायण को लेकर। दोस्तों क्या लगता है खबर कौन सी सच्ची है, ये क्या झूठी है या नितेश तिवारी सच्चे है? दोस्तों क्या लगता है, बिना सन्नी देओल के रामायण बनेगी, बिना हनुमान के रामायण बनेगी, और सन्नी देओल नहीं हुए, यश नहीं हुआ, तो फिर भैया रणबीर कपूर के भरोसे ये फिल्म टिक पाएगी? लाइक कमेंट करके बताओ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद दोस्तों। क्योंकि एनिमल मूवी में बता दूं कि भैया रणबीर कपूर की वजह से नहीं चली एनिमल, 1000 करोड़ बॉबी देओल की वजह से पूरे हुए दोस्तों। ऐसे ही रामायण में अगर सन्नी देओल नहीं हुआ फिल्म फ्लॉप है, आदि पुरुष से भी घटिया कलेक्शन आएंगे, लिख ले लेना बात। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करो भाई, भर भर के करो, भर भर के।